इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि नाद ध्वनि क्या है, ध्यान करते समय हमें किन किन तरीकों की आवाज़ सुनाई देती है और इन आवाज़ों से हम अपने ध्यान को कितना मजबूत बना सकते हैं, यानी कि ध्यान के किस स्तर तक हम पहुंच सकते हैं सिर्फ इस ध्वनि से, यानी ध्वनि पर ध्यान लगाकर हम ध्यान को कितना मजबूत बना सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। देखिए, बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको एकांत में तरह तरह की आवाज़ सुनाई देती है। उसमें से सबसे मुख्य आवाज़ होती है झींगुर या तो भौरे की आवाज़, या तो झींगुर की आवाज़ या तो भौरे की आवाज़। वैसे जब भी आप एकांत में रहेंगे तो झींगुर की आवाज़ आपको स्वतः रूप से सुनाई देगी, यानी झींगुर बोलता रहता है। अगर आप गांव में हैं या फिर किसी खाली जगह पर हैं और वहाँ पर झींगुर है तो झींगुर तो बोलेगा ही, लेकिन जहाँ पर झींगुर नहीं है वहाँ पर भी आपके मस्तिष्क में झींगुर जैसी साउंड, यानी झींगुर जैसे वाइब्रेशन आपके दिमाग में हमेशा गूंजता रहता है। या कुछ लोगों को भंवर की आवाज़ भी गूंजती रहती है। भंवर जिस तरीके से गुंजन करता है उसी प्रकार से हमारे मस्तिष्क में भी भंवर की गुंजन सुनाई देती है। यही है अनाहत ध्वनि या नाद ध्वनि। अनाहत ध्वनि का पद हठ योग में बहुत ही उत्तम माना जाता है। इन ध्वनियों से हम ध्यान को बहुत ज्यादा एकाग्रचित कर सकते हैं। देखिए, जो यह अनाहत ध्वनि होता है, अगर आप ध्यान लगाएंगे तो तरह तरह की ध्वनियाँ हमें सुनाई देती हैं। यानी अनाहत ध्वनि में सबसे पहले भंवर की गूंज सुनाई देती है, इसके बाद आपको बांसुरी की गूंज सुनाई देती है, यानी आपके मस्तिष्क में बांसुरी की ध्वनि सुनाई देगी। इसके बाद आपको घंटे की ध्वनि सुनाई देगी, घंटा अर्थात आपको ऐसा लगेगा कि दूर से कहीं घंटा बज रहा है जो आपके मस्तिष्क में वाइब्रेट कर रहा है, यानी गूंज रहा है। और वो घंटे की आवाज़ काफ़ी लंबे समय तक सुनाई देती है, यानी एक बार घंटा जैसे बजता है उसकी वाइब्रेशन कुछ देर तक रहती है, वह आवाज़ काफ़ी लंबे समय तक खींचता हुआ सुनाई देगा आपको। इसके बाद समुद्र की लहरों की आवाज़ सुनाई देती है और अंत में मेघ गरजने की आवाज़ सुनाई देती है, यानी कि बादल जिस तरीके से गरजता है ना, उस तरीके की आवाज़ हमें सुनाई देती है। आप चार ध्वनियाँ तो बहुत आसान से सुन सकते हैं, यानी कि भंवर की गूंज तो आप बहुत ही आसानी से सुन सकते हैं, ज़्यादातर लोग इसे सुनते भी होंगे। दूसरा, बांसुरी की ध्वनि आप बहुत आसानी से सुन सकते हैं, थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो आप बांसुरी की भी ध्वनि बहुत आसानी से सुन सकते हैं। तीसरा, आप घंटे की भी ये ध्वनि बहुत ही आसानी से सुन सकते हैं। चौथा, जो लहर की ध्वनि है उसमें आपको थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है, उसे सुनने के लिए आपको ज़्यादा ध्यान लगाना पड़ सकता है, लेकिन यह भी बहुत आसान है, इसे भी आप बहुत आसान तरीके से सुन सकते हैं। चौथा, जो आकाश की गरजने की आवाज़ है, यह सुनने के लिए काफ़ी ध्यान लगाना पड़ता है। इस स्टेज पर बहुत कमी लोग पहुंच पाते हैं, या हो सकता है बहुत लोग पहुँचे होंगे, लेकिन यकीन मानिए यह चार ध्वनि आप बहुत ही आराम से सुन सकते हैं, ये ज़्यादातर लोग सुन जाते हैं। लेकिन इसमें एक बात और है, जो बांसुरी की ध्वनियाँ हैं, बहुत लोगों का ऐसा मानना है, बहुत लोगों से हमने पूछा है तो उनका यह कहना है कि बांसुरी की ध्वनि हमें अंत में सुनाई देती है, यानी कि सबसे पहले भंवर की गूंज सुनाई देती है, दूसरा आपको घंटे की ध्वनि सुनाई देने लगती है, जब भंवर की ध्वनि और ज़्यादा गहराने लगता है तो घंटे की ध्वनि सुनाई देने लगती है, तीसरा समुद्र के लहरों की ध्वनि सुनाई देती है, और अंत में जाकर इनको बांसुरी की ध्वनि सुनाई देती है, इसके बाद मेघ गरजने की ध्वनि सुनाई देती है। लेकिन मेरा अनुभव यह कहता है, मेरा ध्यान यह कहता है कि सबसे पहले भंवर, इसके बाद बांसुरी। बांसुरी आपको दूसरे स्तर पर सुनाई दे देती है अगर आप सूक्ष्म रूप से ध्यान केंद्रित करते हैं तो। तो चलिए हम जानते हैं कि इसे किस तरीके से किया जा सकता है, यानी इन ध्वनियों को हम किस तरीके से सुन सकते हैं, इनके बारे में चलिए जानते हैं। देखिए, इसका दो तरीका है। पहला, आप मुद्रा करके भी इसे कर सकते हैं, यानी मुद्रा करके आप इसे जल्दी हासिल कर सकते हैं, इन ध्वनियों को जल्दी सुन सकते हैं। यह मुद्रा कुछ कुछ भ्रामरी मुद्रा से मिलता जुलता रहता है। इसके लिए आपको दोनों अंगूठे से अपने दोनों कानों को इस प्रकार से बंद कर लेना है, अपने दोनों तर्जनी को अपने आँख से बंद कर लेना है, यानी आँख पर बंद कर लेना है, दोनों तर्जनी को आँख पर ऐसे ढक लेना है, और दोनों जो मध्यमा है उसको नाक को बंद करना है। अब याद रखिए, इसमें जो भ्रामरी प्राणायाम करते हैं उसमें नाक थोड़ा सा खुला रहता है, इसमें पूरी तरीके से नाक बंद करना है, यानी नाक जब बंद करेंगे तो सांस को अंदर लेके बंद करेंगे, और दोनों इन बाकी बचे दो उंगली को आपको मुंह के पास इस तरीके से रखना है। किस तरीके से करना है चलिए देख लेते हैं। यानी पहले सांस लेना है, अब इस मुद्रा से आप बहुत ही आसानी से ध्वनि नाद को सुन सकते हैं, यानी नाद ध्वनि को सुन सकते हैं, अनाद ध्वनि को आप सुन सकते हैं।
दूसरा, अगर आपको सिर्फ भंवर की गूंज सुननी है तो सिर्फ आप अपने कानों को बंद कर लीजिए, किसी भी उंगली से बंद कर लीजिए, आप अपने कान को बंद करेंगे तो आपको भंवर की गूंज बहुत ही स्पष्ट रूप से सुनाई देने लगेगी। अब थोड़ा और उस गूंज पर ध्यान देंगे, ध्यान देते जाएंगे, देते जाएंगे, देते जाएंगे, और डीप में जैसे जैसे जाएंगे ना, आपको बांसुरी की ध्वनि बहुत ही जल्दी सुनाई देगी। मेरे अनुभव से आप 15 दिन में बांसुरी की ध्वनि बहुत ही आसानी से सुन सकते हैं। इसके बाद आप घंटे की भी ध्वनि सुनेंगे और समुद्र के लहर की भी ध्वनि सुन लेंगे, लेकिन इसमें आपको 3 से 4 महीने लग जाएंगे और ये बहुत ही आसानी से सभी लोग कर सकता है। मेघ की ध्वनि यानी आकाश की गरजना की ध्वनि, हमें लगता है काफ़ी टाइम लगेगा तब आप उस ध्वनि को सुन सकते हैं। हो सकता है किसी की ध्यान का अनुभव बहुत ही तीव्र हो, बहुत ही अच्छा हो, जो बहुत ही जल्दी इस ध्वनि को सुन पाए। मेरे अनुभव से मेघ की जो ध्वनि है उन्हें सुनने के लिए कम से कम 6 से 7 महीने की टाइम तो जाती ही है, और हो सकता है बहुत लोग 1 या 2 महीने में इसे हासिल कर सकते हैं। जिन्होंने इन ध्वनि को 1 से 2 महीने में हासिल किया है वह हमें अवश्य कमेंट में बताएं। अब ये जो ध्वनियाँ हैं हमारे दिमाग के वाइब्रेशन को एकाग्रचित कर देती है, यानी एक पटरी पर ला कर रख देता है। तो ये हो गया मुद्रा से, लेकिन मुद्रा से यह प्रॉब्लम है कि आपको हमेशा कान बंद करके रखना होगा, जिसके वजह से कुछ समय बाद आपके हाथों में अजीब ढंग के वाइब्रेशन होने लगते हैं और थक भी जाते हैं हाथ, तो वो मज़ा नहीं आता है ध्यान करने में। आपका हाथ कुछ इस प्रकार से ऐसे रह के पड़ा रहता है जो अजीब लगता है। मेरे अनुसार मैं जिस तरीके से करता हूँ उसके अनुसार आप किसी भी एक आसन का चयन कर लें। आसन में हम 4 आसन को ज़्यादा प्रिफर करते हैं, सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन और ब्रजासन। आप इन 4 आसन में से किसी भी एक आसन का चयन कर लें। इसके बाद आप अपने 3rd eye पर ध्यान लगाएं। जब आप अपने 3rd eye पर ध्यान लगाएंगे, या आप अपने नाक पर भी ध्यान लगा सकते हैं जिसे सामूहिक मुद्रा भी कहते हैं, आप इस तरीके से या इस तरीके से ध्यान लगा सकते हैं, किसी भी तरीके से आप ध्यान लगा सकते हैं। तो अगर आप जब इस पर ध्यान लगाते हैं, 3rd eye पर ध्यान लगाते हैं, तो अपने वाइब्रेशंस को सुनना है, यानी जो वातावरण में जो वाइब्रेशन है उनको सुनने की कोशिश करेंगे। जैसे ही आप सुनने की कोशिश करेंगे ना, 5 से 10 मिनट के अंदर आपको भंवर की गूंज एकदम स्पष्ट रूप से सुनाई देने लगेगी। यह ज़्यादातर लोग के साथ बहुत ही आसानी से हो जाता है, आप भी इसे प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। याद रखिए, अगर आप 3rd eye पर ध्यान लगाएंगे ना, तो आप इसे बहुत ही आसानी से सुन पाएंगे। बहुत लोग बिना 3rd eye पर ध्यान लगाए आंखें बंद कर भी किसी मूर्ति और इन चीज़ों पर ध्यान लगाकर भी इन नाद को सुनते हैं, यानी अनाहत ध्वनि को सुनते हैं। लेकिन मेरे अनुभव से आपको 3rd eye पर ध्यान लगाना चाहिए। 3rd eye पर अगर आप आंख बंद करके भी ध्यान लगाते हैं 3rd eye पर, और अपने वातावरण की ध्वनियों को सुनने की कोशिश करें साथ में, तो आपको यह ध्वनि बहुत ही आसानी सुनाई देगी। अब क्या करना है, दूसरा ध्वनि यानी बांसुरी की ध्वनि सुनने के लिए उस ध्वनि को बहुत ज़्यादा गहराना होगा, यानी उस ध्वनि पर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होना होगा जो ध्वनि आ रही है। आपका आइज एक जगह टिक गया, यानी किसी भी नाक पे या आँख पे कहीं पर भी 3rd eye पर टिक गया, इसके बाद आपको जो भी वाइब्रेशन, जो भी आपको गूंज सुनाई दे रही है उस पर पूरी तरीके से आपको फोकस करना है। आपके पूरे चित्त के वाइब्रेशन को उसी हिसाब से ढाल लेना है। जब आप उसमें घुसते जाएंगे, जैसे जैसे उनको सुनते जाएंगे, आपको बांसुरी की भी ध्वनि सुनाई देने लगेगी। जैसे ही बांसुरी की ध्वनि आपको थोड़ी भी सुनाई दे रही है, तो आपको भंवर वाली गूंज को स्टॉप कर देना है, यानी उस पर ध्यान नहीं देना है, आपको बांसुरी की ध्वनि पर ध्यान देने लगना है। अगर आप बांसुरी की ध्वनि पर ध्यान देंगे तो आपको भंवर की गूंज सुनाई देना बंद हो जाएगी और बांसुरी की ध्वनि बहुत स्पष्ट रूप से सुनाई देने लगेगी। अब कुछ लोगों को हो सकता है यह 10 दिन में सुनाई दे दे, कुछ लोगों को हो सकता है 5 दिन में सुनाई दे दे, कुछ लोगों को हो सकता है कि 1 घंटा ध्यान करे और उनको बांसुरी की ध्वनि सुनाई देने लगे। यह सबके ध्यान का अपना क्षमता है, कौन कितने समय में इसे सुन सकता है, लेकिन मैक्सिमम 15 दिन में आप बांसुरी की ध्वनि को सुन ही लेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आप 15 दिन में तो आराम से ही बांसुरी की ध्वनि को सुन लेंगे। इसी तरीके से आपको क्रम बढ़ाते हुए इन ध्वनियों को सुनना है। देखिए, अनाहत ध्वनि बहुत ही काम की ध्वनि है। इन ध्वनियों से हम ध्यान को बहुत ही बारीकी से समझ सकते हैं और लंबे समय तक ध्यान में डूब सकते हैं, यानी ध्यान का आनंद ले सकते हैं। देखिए, जब आप 5 ध्वनियों को बहुत ही आसानी से सुनने लगेंगे, यानी अंत में जो बादल गरजने की आवाज़ अगर आप सुनने लगते हैं, तब आप समाधि की अवस्था तक पहुँच सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको 6 से 7 महीने का टाइम अवश्य निकालना होगा, और अनाहत ध्वनि जो है इस पे हठ योगी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान लगाते हैं। हठ योगी अनाहत ध्वनि को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं।
इस ध्वनि पर ध्यान लगाकर समाधि तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि ध्वनि ही हमारे वाइब्रेशन यानी मस्तिष्क के वाइब्रेशन और हमारे चित्त के वाइब्रेशन को बहुत ही जल्दी एकाग्रचित कर सकता है, क्योंकि उसके पास भौतिकी ऊर्जा है जो कि हमारे भौतिकी ऊर्जा से जुड़कर सूक्ष्म ऊर्जा पर इफेक्ट डालता है। इसलिए ध्वनि हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। आप देखेंगे कि अगर ध्वनि से हम ध्यान लगाते हैं, यानी कोई सॉन्ग बज रहा है उस पर अगर हम ध्यान लगाते हैं, तो बहुत जल्दी मेरा ध्यान टिक जाता है 4 मिनट 5 मिनट के लिए, क्योंकि वो क्या है, भौतिक ऊर्जा से हम सूक्ष्म ऊर्जा में जाते हैं, इसलिए हम बहुत जल्दी उसे सीख लेते हैं या उस पर ध्यान लगा लेते हैं। तो यही है अनाहत ध्वनि। कुछ लोगों को इस ध्वनि में यानी नाद ध्वनि में पायल की भी आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन मुझे अभी तक पायल की आवाज़ नहीं सुनाई दी है। मेरे अनुभव तक आज तक मैंने पायल की आवाज़ नहीं सुनी है। बहुत लोग का ऐसा अनुभव है कि पायल की भी आवाज़ सुनाई देती है, और ये काफ़ी लोग कहते हैं मुझसे कि नहीं, पायल की भी आवाज़ सुनाई देती है। आप लोगों में से किसी को भी अनाहत ध्वनि में पायल की ध्वनि सुनाई दी है तो आप हमें कमेंट में अवश्य बताएं। तो बस अनाहत ध्वनि में इतना ही। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा आप हमें अवश्य बताएं। अगर आप हमारे फैमिली में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार हम तक पहुंचा सकते हैं। जिन्हें इस वीडियो की ज़रूरत है उन्हें यह वीडियो अवश्य शेयर करें। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।